सभापति महोदय, मैं इस बिल के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें एक जो शब्द है वहां से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है द स्पेंडिंग लिमिट्स विल प्रमोट ओपन पब्लिक विजिबल एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूस ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। अब विजिबिलिटी की जब बात आती है और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की बात आती है, अगर किसी के पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन हो तो आज के जमाने में हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग, डिस्प्ले और इस अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा विजिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। आप कल्पना करिए कि जिस प्रकार के मार्केटिंग के दौर में हम चल रहे हैं, अगर किसी के पास अपरिमित धन हो खर्च करने को, तो क्या उसकी विजिबिलिटी में अंतर नहीं होगा? मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों का कि मैनेजमेंट में एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं एडा थ्योरी, AIDA, ए फॉर एक्वायर्ड अटेंशन, क्रिएट इंटरेस्ट, डेवलप डिजायर। अब अगर आप कल्पना करें कि एक सामान्य कैंडिडेट और एक के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं होगी, वो किस तरीके का अटेंशन, किस तरीके का इंटरेस्ट और कैसी कैसी डिजायर पैदा करेगा, क्या यह लोकतंत्र के उन मूल्यों के अनुरूप होगा जहां समान रूप से प्रतिस्पर्धा की अनुमति होनी चाहिए? फिर भी यदि किसी के मन में बात आती है कि धन की लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो अभी हमारे निषाद जी ये कह रहे थे कि एक समय था जब बड़े लोग, पैसे वाले, प्रभावशाली लोग ही राजनीति में आते थे। आज समाज के हर तबकों से लोग आते हैं, परंतु मैं इसे एक संयोग कहूं या विडंबना कहूं कि सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग आपको उन पार्टियों में मिलेंगे जो अपने को वंचित और शोषितों के स्वयंभू मसीहा कहते हैं। सबसे ज्यादा तेजी से 100 करोड़ों के मालिक होते हुए आपको उन पार्टियों में दिखेंगे जो कोई किसान मजदूर की बात कहता था तो कोई गरीब गुरबा की बात कहता था तो कोई वंचित शोषित की बात कहता था। तो यह भी देखना होगा, इसमें मैं उनकी गलती भी नहीं मानता है, जैसा इंटरेस्ट, जैसी डिजायर, वैसी डिजायर क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमारा यह मानना है कि इस प्रकार का विधेयक संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। और मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा, यह उस पार्टी की तरफ से आ रहा है जहां कभी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके कुर्ते में पैबंद लगा था तो उन्होंने अपने सचिव से यह कहा था कि कोट के नीचे छुप जाएगा, हमारे देश के 2/3 लोगों को तो यह कुर्ता भी नहीं मिलता है। आज वहां पे स्थिति यह उत्पन्न हो जाए कि हमें लगे कि धन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे साथी अभी नरसिम्हा राव जी ने कहा, अरे भाई दक्षिण के जो राज्य हैं, जहां हमने भी देखा है बहुत ही समृद्ध, सामर्थ्यशाली और धन बल से मजबूत लोग होते हैं, MLAs ऐसे हैं जिनके पास अपने हेलीकॉप्टर हैं। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहां पर मध्य प्रदेश के भी वो हिस्से, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर इतने आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से यदि हम इस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेंगे तो यह लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप के साथ अन्याय होगा। और वैसे मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, यह अन्याय संयोग से उस पार्टी के द्वारा आ रहा है। यह प्रस्ताव एक बहुत बड़े कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग लोग जानते होंगे, बंसीधर शुक्ल। वो ऑल इंडिया रेडियो में एम्प्लॉई थे और चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने शिरकत की, इसलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मगर स्वतंत्रता के बाद ही उन्होंने जो दृश्य देखा था, उन्होंने देखा कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और धन का प्रभाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने कुछ पंक्ति लिखी थी उस कांग्रेस के लिए जिसका कभी सदस्यता शुल्क क्या होता था, 4 आने। नारा होता था, 1 चवन्नी चांदी की जय, बोलो महात्मा गांधी की। और 4 आने के बाद, जब सत्ता में आने के बाद बदलाव हुआ, तो बंसीधर सुकुल जी ने लिखा था कि जेल से निकलकर सत्ता में पहुंचे और धन बल में कहां से कहां तक पहुंचे। उनकी पंक्ति थी, कहां वो बेड़िन की झनकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार, कहां वो बेड़िन की झनकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार, कहां 54 मांगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेसुमार। उन्होंने आगे लाइन लिखी, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार, यानी भारत के स्वतंत्रता पर उनका जो दर्द था वो झलका। और उसके आगे उन्होंने लिखा कि ऐसी स्वतंत्रता आई है कि कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र,
हाकिम स्वतंत्र, हरहा स्वतंत्र, गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमारा। इसलिए मैं कहता हूं यह भावना मत आने दीजिए। और हम उस पार्टी से आते हैं जहां दो दो प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने प्रचारक जीवन लिया था, सब कुछ संपत्ति छोड़ दी थी, एक पैसा भी अपना नहीं था, और वहां से शून्य से उठाकर शिखर तक पहुंचे। राजनीति की अस्वस्थ परंपरा, और हमारे यहां तो सदैव से त्यागी बैरागी सन्यासी फकीर की इज्जत ज्यादा होती है, उसकी इज्जत नहीं होती जिसने ज्यादा पैसा कमाया। मान्यवर, आजादी के समय शहर का सबसे पैसे वाला आदमी और शहर का सबसे इज्जतदार आदमी दो अलग अलग लोग होते थे। इसलिए यह समझ लीजिए कि मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, सबसे आगे वो पहुंचता है जो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ पाकर नहीं पहुंचता है। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहकर बात समाप्त करूंगा, इस विधेयक का मैं विरोध करते हुए कि यह संविधान की मूल भावना, भारतीय समाज की मूल भावना, भारतीय समाज की परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा की मूल भावना के पूरी तरह विरोध में है। यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, न तख्त तो ताज में न लश्करों सिपाह में है, जो बात कलंदर के बारगाह में है, और जो दिल से देखता है तू बस है वही दुनिया, वो संग खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। और आगे है, हर मुकाम से आगे मुकाम है उसका, जो बदगुमा भी आवारगी की राह में है। धन्यवाद।